दोस्तों, आज की वीडियो में हम सभी जानने वाले हैं कि आंध्र प्रदेश का नारियल पानी कैसा होता है, यहाँ किस किस एरिया में नारियल पानी पाया जाता है, नारियल पानी में कितने पानी निकलते हैं, कितने ml होते हैं, कौन कौन सी ग्रेड आंध्र प्रदेश के अंदर पाया जाती है, आंध्र प्रदेश के माल में दाग होता है, क्यों होता है, हम लोग कितने पीस क्वांटिटी खरीद करके आंध्र प्रदेश का कोकोनट से बिजनेस शुरू कर सकते हैं और कितना इन्वेस्टमेंट मिनिमम हमें इस बिजनेस को शुरू करने में लग सकता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्की, स्वागत करता हूँ आप सभी को आज के नए बिजनेस आइडिया में। दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा आंध्र प्रदेश का नारियल पानी कैसा होता है। यहाँ का जो वाटर लेवल होता है नारियल का, ठीक होता है, टेस्ट अच्छा होता है, साइज़ भी अच्छा होता है और आपको देखने में भी खूबसूरत लगता है। अब दूसरी बात यहाँ पर करते हैं, यहाँ किस किस एरिया में नारियल पानी पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में जो मोस्टली फेमस एरिया जो है, श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट, रणस्थलम और राजमंड्री, ये तीन एरिया है। इसके अलावा एक एलुरु, ये चार जगह जो है ये काफ़ी प्रचलित है, काफ़ी फेमस है। नारियल पानी जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होते हैं, सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। हर जगह की अपनी अलग अलग खूबियाँ हैं, क्वालिटी के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से एंड थोड़ा बहुत वाटर का टेस्ट के हिसाब से। अब दोस्तों, बात करते हैं कि नारियल पानी में कितने पानी निकलते हैं आंध्र प्रदेश के अंदर। तो दोस्तों, मैं आपको मोस्टली बताना चाहूँगा 100 ml से लेकर के 450 ml तक इजीली आराम से आपको पानी देखने को मिल जाएगा। और डिपेंड करता है कि ये किस लोकेशन का माल है, किस एरिया का माल है जहाँ से सबसे ज़्यादा पानी निकलता है। दोस्तों, अब यहाँ पर बात करते हैं कौन कौन सी ग्रेड आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। जी हाँ, तो आपको बताना चाहेंगे लगभग हर स्टेट में ग्रेड जो होता है वो बहुत मायने रखता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें ग्रेड की, तो सबसे पहले बताना चाहूँगा यहाँ पर भी ए ग्रेड का माल होता है, बी ग्रेड का भी माल होता है एंड सी ग्रेड का भी माल होता है। अब यहाँ पर हम दोस्तों बात करते हैं कि आंध्र प्रदेश के माल में दाग क्यों होता है। मुझे जहाँ तक वहाँ के आंध्र प्रदेश के लोकल किसानों ने जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसके मुताबिक मैं बताना चाहूँगा। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर रेडिएशन का प्रभाव ज़्यादा है जिसके वजह से पेड़ में दाग शुरू से ही आते हैं। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे वहाँ का ब्रीडिंग ऐसा होता है, वहाँ का ऐसा फार्मिंग होता है कि थोड़ा दाग आ जाता है। हाँ, लेकिन अगर वहाँ का हाइब्रिड माल अगर आप देखते हो तो हाइब्रिड माल में आपको दाग देखने को थोड़ा कम मिलता है। अब यहाँ पर एक बात और करेंगे ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड का। तो ए ग्रेड दैट मीन्स अगर हम आपको लोकेलिटी, वहाँ का लोकल एरिया के हिसाब से अगर हम आपको डिवाइड करके बताना चाहें तो ए ग्रेड सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है आंध्र प्रदेश के अंदर। तो सबसे पहले दोस्तों आप इसे नोट करें, श्रीकाकुलम एरिया है, रणस्थलम एरिया जो है वहाँ पर मोस्टली ए ग्रेड का माल ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन हाँ, वहाँ पर आपको लूज़ माल मिलेगा, बिना गुच्छा वाला नारियल मिलेगा, बिकॉज जबकि वहाँ का लोग बंचेज के साथ में नारियल पानी कटिंग नहीं करते हैं। उनका ये मानना है कि वो पेड़ से अगर गुच्छा कटिंग करके साथ में अगर वो कोकोनट को देते हैं तो उनकी प्लांटेशन में कमी आ सकती है, फ्यूचर में उनको जल्दी जल्दी मतलब फल प्राप्त नहीं हो पाएगा उस पेड़ से, उनका ये सोचना है, मानना है। सो इस कारण से वो लूज़ में ही कटिंग करते हैं और लोडिंग देते हैं। अब दोस्तों बात करें अगर बी ग्रेड का माल का, तो वहाँ पर आपको मोस्टली बी ग्रेड कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर क्वालिटी के साथ में साइज़ में भी कंप्रोमाइज़ होना, और ए ग्रेड का मतलब क्वालिटी भी बेटर एंड साइज़ भी ओके। हाँ, लेकिन दाग थोड़ा बहुत होगा क्योंकि आंध्र प्रदेश के माल में दाग होता है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर बात कर लेते हैं बी ग्रेड की, तो बी ग्रेड क्वालिटी ऐसा होता है जैसे आप समझो कि मीडियम टाइप का साइज़ होता है, लगभग आप समझो 1 kg 1.5 kg के आसपास का माल होता है। हाँ, उसमें भी हाइब्रिड क्वालिटी होती है, राउंड शेप टाइप का क्वालिटी होता है और उसमें भी आपको पानी ठीक ठाक देखने को मिल जाता है, लगभग 150 ml से 250 ml के आसपास में। तो ये बी ग्रेड टाइप का हो गया, उसमें भी दाग पाए जाते हैं। और आंध्रा के माल में एक प्रॉब्लम और भी है, ये ज़्यादा दिन तक इसकी सेल्फ लाइफ नहीं होती है। आई मीन टू से कि दाग बहुत जल्दी इसमें आना शुरू हो जाता है ट्रैवलिंग आवर में ही, और माल कटिंग होने के बाद जाते जाते विद इन 3 to 4 days के अंदर नहीं पहुंच करके अगर ये सेल करते हैं तो आपको दाग का सामना करना पड़ सकता है। इट मीन्स कि वो थोड़ा सा डल होने लगता है, कच्चा आइटम है ना बॉस, तो थोड़ा प्रॉब्लम आने लगती है। अब दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं सी ग्रेड का। दोस्तों सी ग्रेड क्वालिटी सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो राजमंड्री के आसपास एरिया में पाया जाता है। एंड सी ग्रेड का दोस्तों जो क्वालिटी होता है
वो आपको लगभग लंबे टाइप का सेब होते हैं, उसमें राउंड सेब ज़्यादा नहीं देखने को मिलते हैं, वो काला टाइप का माल होता है, ऐसा लगता है जैसे वो ब्लैक माल एकदम फुल्ली लाइक ऐसा लगेगा कि रिजेक्टेड माल है। और वो माल आपको आंध्र प्रदेश में अनलिमिटेड मिल सकता है, उसमें पानी की कोई गारंटी नहीं होती है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी से ज़्यादा आपको नारियल निकलने की गारंटी होती है। अगर पानी निकलने की गारंटी भी दी जाए तो कम से कम 50 ml से 200 ml के अंदर मैक्सिमम माना जा सकता है। जी हाँ, लेकिन इसमें एक चीज़ और है, आपको इसमें थोड़ा छूट ज़्यादा मिलता है, किसानों के द्वारा ये छूट दिए जाते हैं। वो आप हर किसान से, जिस किसान से आप डील करते हैं उसके हिसाब से आप अलग अलग लेवल पे बात करके उनसे आप फ्री का पीसेस भी कुछ ले सकते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं कि आंध्र प्रदेश से आप कम से कम कितना पीस ले करके धंधा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा, मुझे नहीं पता कि कौन सा बंदा किस स्टेट से, इंडिया का कौन सा कोना से मेरा इस वीडियो को देख रहा है, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आंध्र प्रदेश से जितना भी आप दूर हो उसके हिसाब से आपका ट्रांसपोर्ट चार्ज अलग अलग होंगे, हर स्टेट वाइज डिस्टेंस वाइज आपका अलग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगा, ट्रैवलिंग कॉस्ट अलग आएगा। और अगर बात करें माल का रेट का, तो इसके लिए मैं आपको स्क्रीन पे अपना नंबर दे देता हूँ, व्हाट्सअप नंबर है, आप इसमें इंक्वायरी कर सकते हैं व्हाट्सअप करके, बट प्लीज़ कॉल ना करें, व्हाट्सअप करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कहाँ पर क्या रेट चला हुआ है, इसके बारे में हमारी टीम आपको पूरी सहायता करेगी। तो दोस्तों बात करें कि आप कितना पीस कम से कम आंध्र प्रदेश से ले करके आप व्यापार शुरू कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो दोस्तों आप कम से कम 7 से 8 हज़ार या मिनिमम 6 हज़ार पीस भी ले करके आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब 6 हज़ार पीस क्वांटिटी किस गाड़ी में जाती है तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, 6 चक्का गाड़ी आता है जिसको लोग DCM के नाम से जानते हैं या आईचर के नाम से जानते हैं, वो 6 चक्का वाला गाड़ी होता है, 6 व्हीलर, उसमें आराम से दोस्तों 6 हज़ार 8 हज़ार 9 हज़ार के अंदर ऑलमोस्ट माल लोड हो जाता है। बट यहाँ पर डिपेंड करता है कि क्वालिटी कौन सी लोड हो रही है, ए ग्रेड, बी ग्रेड या सी ग्रेड। अगर ए ग्रेड क्वालिटी लोड होती है, अगर 12 टन की गाड़ी है, आईचर है, तो उसमें लमसम 6 से 7 हज़ार के बीच में माल आराम से इजिली लोड हो जाती है। अगर बी ग्रेड का माल है तो उसमें कम से कम 7.5 से 8 हज़ार के बीच में आराम से लोड हो जाती है। अगर माल सी ग्रेड है तो आराम से उसमें 9 से 10 हज़ार के बीच में भी लोड हो जाता है। तो दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, जो इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, कि कितना इन्वेस्टमेंट पर आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। बहुत लोगों का ख्याल होता है, हर स्टेट से लोग मुझे फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, ईमेल करते हैं, लेकिन मैं उनको अच्छा प्रॉपर रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। लेकिन आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आपका इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है कि उस टाइम मार्केट का क्या पोजीशन चला हुआ है, क्या रेट चला हुआ है। अगर आप श्रीकाकुलम का माल ले रहे हो, आज मैंने जो किसानों से जाना है उसके बारे में बताते हुए आपसे शेयर कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट के बारे में। अगर बात करें कि आज अगर 30 रुपये का रेट चल रहा है एक पीस का नारियल का श्रीकाकुलम में, ए ग्रेड माल का, तो 30 × आप 7000 कर ले इजीली आराम से, लगभग 2,10,000 रुपये आपका ये इन्वेस्टमेंट मनी माल का आ रहा है, सिर्फ कोकोनट का आ रहा है। इसमें यहाँ का लोकल जो लेबर होते हैं, लोडर जो होते हैं, वो लोडिंग चार्ज लेते हैं, वो लोडिंग चार्ज होता है 2500 रुपया एक DCM का, जो 12 टन का गाड़ी का लोडिंग होता है वो 2500 रुपया लेते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जो है ट्रांसपोर्ट चार्ज, आप कहाँ से हो ये आप जानते हो, मैं नहीं जानता हूँ, हाँ, लेकिन आप ट्रांसपोर्टर के माध्यम से आराम से इजीली इसके बारे में पता कर सकते हैं। अगर आपको इसमें ट्रांसपोर्टर का भी सपोर्ट चाहिए हो या ट्रांसपोर्टर का नंबर चाहिए हो, क्या भाड़ा कहाँ से कहाँ कितना लगता है, तो आप हमारे दिए गए स्क्रीन के नंबर पर व्हाट्सअप करके हमसे पता कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम इजीली मान लें यहाँ पे कि आपका अगर ट्रांसपोर्ट चार्ज 50,000 रुपये लगता है नॉर्मली, अब इस तरह से आप अपना ऐड कर लें, टोटल इन्वेस्टमेंट 2,10,000 रुपये आपका माल का हो गया, 2500 आपका लेबर लोडिंग चार्ज हो गया, और करीब करीब 50,000 रुपये आपका ट्रांसपोर्ट चार्ज हो गया। तो आप इसे ऐड करते हैं तो आपका ऐड करने के बाद दोस्तों आता है 2,63,500 रुपया। तो दोस्तों ये है आपका टोटल इन्वेस्टमेंट मनी जितना से आप इस व्यापार को शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा और आप इस बिजनेस को शुरू करना चाहेंगे। तो दोस्तों अगर आप इस व्यापार को शुरू करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर टेक्स्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको इस बिजनेस रिलेटेड फुल इन्फॉर्मेशन देगी और आपको इस व्यापार को करने में काफ़ी मदद करेगी। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।